एक इधर है एक और एक और पुश मारो मेरा है फुल एम है दार तो <स्थाँगाँ> मैं तो अपनी तरफ से वो पीछे बंदे आ गए आ गए पढ़ने लगी है

असलम गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वीडियो के एंड में एक पार्ट बताया था कि इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो कल अपलोड होगा तो ये वाली वीडियो वही थी भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो ना मज़ा नहीं आया ना पैसे वापस अभी से बता रहा हूँ मेरे साथ भाई हसीब भाई और मारखोर भाई खेल रहे और आप लोगों ने देखना हुआ क्या स्टार्ट की फ़ाइट में नहीं दिखा रहा भाई स्टार्ट की फाइट में ना बंदा बोर हो जाता है डायरेक्ट मैं आपको एंड की फ़ाइट में बताता हूँ ना फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर होता क्या ठीक है तो मैं और मनाना भी रह गए थे समझ आ रही है और ये वाले कंपाउंड्स में बंदे थे जिसने पुरानी वीडियो देखी उनको पता है भाई क्या क्या सीन हुआ है इससे आगे का जो सीन होने है 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 भाई 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 तो उसके बाद सेकंड गेम प्ले में फिस्टे पड़ी है भाई भाई। पड़े है, फुल पड़े है भाई रमजान में भी पडे हो रहे तो यहाँ पर मैं नॉक हो गया था और मारखोर ने उसी बंदे को भी नॉक कर लिया अभी यहाँ पर मुझे इज्जत से रिवाइव मिल ही रहा था भाई एकदम से भाई पीछे से गाड़ी में दो बंदे आते तो अब यहाँ का सीन देखो जरा thank you pani mein chal raha pani mein chal raha gad gayi तो भाई यहाँ पर मैंने फुल स्कैम किया मारखौर भाई को अकेला छोड़ के आ गया और हसीब की आप लोगों ने बात भी सुनी है इसने मुझे मशवरा दिया कि पानी में चला जाओ और फिर वहाँ पर मारखोर भाई को कह रहे थे कि इसने आपको बचाया नहीं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करो आप लोगों ने सीन देखना है तो यहाँ पर मैं सैंडविच ही होने वाला था क्योंकि यार बैक पर अलग थीमें और फ्रंट पे मतलब दोनों साइड पे सीधे कान पे और उल्टे कान पे दोनों तरफ बंदे हैं ठीक है हर कान से जो है फायरिंग की आवाज़ गूंज रही थी तो मैंने कहा भाई यहाँ पर तो सर्वाइव नहीं होना है और बंदे भी ज़्यादा लाइव है और लॉबी भी अच्छी है तो सबसे पहले ना मैंने गाड़ी पे स्मोक किया और मैं यहाँ से रफू चक्कर हो गया डायरेक्ट किसी कंपाउंड में मैंने होल्ड किया नेक्स्ट सर्कल कटने का और अब मैं डायरेक्ट आता हूँ भाई नेक्स्ट सर्कल की फाइट की तरफ हाँ तो मैंने सेक्टर दिया नीचे वाल बनाई तो मुझे क्या लगा मेरे आगे <laughs> नीचे वाल और वाल भी टेढ़ी थी तो लोंडे की हंसी नहीं रुक रही है भाई हंस रहा है हसीब सबर करो इनको ये लगता है कि आपका भाई यहाँ पर मर गया लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है अभी यहाँ पर आप लोगों ने मेरा इम्पोसिबल सर्वाइव देखना है सबसे पहले मैं सर्कल कैच पे आया और जो बंदा मेरी बग्गी से बच गया ना इसको सबसे पहले मैंने नोक दिया नाम पढ़ लो लोंडे का ठीक है अब ये था जो सब सामने कंपाउंड में बंदे थे ना ये सही तगड़ी टीम थी समझ आ रही देखो अभी भी यार मुझे लिट किया एकदम से बैक से भी बंदा है इसको भी मैं नॉक कर लेता तो। हूँ नॉक के साथ मैं दस्ती फिनिश कर लेता तो हूँ ताकि इसके टीममेट्स को मेरी लोकेशन पता ना हो फिर मैं बाद के ना फाइट ले सकूँ तो फिर मैं करीब आता हूँ और एक और बंदे ने टी पी पी ली हुई थी दरख्त के करीब अब सारा मसला ना यहाँ से शुरू होता है ठीक है इस बंदे को मैंने मार लिया ना अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया यारदे ने टी पी पी किस के लिए ली थी क्योंकि इस ये साइड तो तकरीबन क्लियर है और मैं ये सोच रहा हूँ कि चार बंदे रहते और प्रॉपर ना चार बंदोली वाली फाइट होगी तो अब आगे खसी सब जाने से पहले जमाई आ गई थी तो अब यार एक तो नींद भी पूरी नहीं होती है जल जलील है बस अल्लाह माफ़ करे अब सीन ये है कि इधर जब मैं करीब आया ना तो बस मैंने कहा कि वो बंदा किधर है जिस पे टीवी था बाद मुझे पता चला कि भाई इस पे टीवी पिलियर था तो जैसे ही मैं लेटता तो हूँ भाई भाई वो दूसरी टीम मुझे बिल्कुल वन छोड़ मेरी चेक करो अब रिवेंज देखो यहाँ पर आप लोगों ने विदाउट वॉइस ओवर के बगैर ये स्प्रेज की जो टिन टिन है ना वो सुननी है सिर्फ हाँ ये भाई नहीं है तो वो पत्थर है है, पत्थर पे पे बंदा राइट। है। अब तो लाइक है, है, अच्छा स्क्वाड है देख रहे हो भाई लोंडे का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ देखो फुल ओपन पे भाई बीस्ट मोड है ये होता है ना बीस्ट मोड़ ठीक है तो वेब शूटर मैंने सीट से उठा लिया था आप डायरेक्ट ये गाड़ी वाले पे जाना है जो रिवाइव करने जा रहा है भाई 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 तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ यार तीनों एनिमीज को कितने हेड्स पड़े अब आते हैं भाई सॉफ्टवेयर है भाई। भाई स्कैम होता है उनको ना मार देते कोई और एन मौके पे मैं होता नहीं हूँ तो हसीब के एन मौके पे मैं आगे जब ये नॉक होता है तो इनको ना ऊपर से बंदा टावर के ऊपर बैठा हुआ था इसको नॉक कर लेता है तो फिर मैं जाके इनको नॉक कर लेता हूँ अब मैंने जाना इनके करीब अब मैं आगे का सीन आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है जिस टीम ने ना हमें फिस्ट किया था ना ये टीम अभी इसके बाद पुश करेगी सबसे पहले ना अपने टीममेट्स को उठाना था समझ आ रही है असीप भी फिनिश हो गई है तो जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ जिस बंदे को मैंने मारा था ना वो वहाँ से ऊपर से नीचे चलांग मार के ख़ुदकुशी कर लेता है लास्ट बंदा होता है इसको मैं मार लेता हूँ समझ आ रही है यह का सीन सारा आप लोगों के सामने क्लियर हो गया अब आगे क्या सीन होना है देखो भाई बग्गी आएगी गाड़ी आएगी और उसके बाद एक और बग्गी आएगी समझ आ रही है मैं हेल्थ लगा रहा हूँ फुल तसल्ली से और यहाँ से हम निकलने की सोच रहे क्योंकि सर्कल जो था वो ब्रिज के दूसरे साइड पे था तो जाना हमें भी जरूर था समझ आ रही है जाना भी जरूर है तो अब देखो यार यहाँ पर ना बग्गी आ रही है एडवांस में आपका भाई रेडी है भाई स्प्रे देने के लिए किस एंगल से निकलेगी तो जैसे ही निकलती ना इतना ज्यादा मैंने फायर दिया है, पर ये घर गन स्विच कर लिए भाई बड़ी गलती की है यहाँ पर तो खैर बग्गी तो गई ना अभी हमने गाड़ी वाले को पकड़ना था ये वही टीम है जिसने फिस्ट करवाया हमें यार ये कमेंट वमेंट किया करो यार कसम से दुख होता है यार बारह तेरह हजार व्यूज होते सौ कमेंट्स भी नहीं होते कोई थोड़ा गपशप मारा करो यार कोई जी जी बोला करो दिल खुश होता है यार हमारा तो अब ना टीमेट को रिवाइव किया समझ आ रही है बंदे तो वही थे तो सबसे पहले मैं इसके करीब गया और मैंने अपने जो है आस्तीन ऊपर किए इसको मज़े से दो तीन पेंट मारे ठीक है इनका जो है ना नाक मुंह सब तोड़ दिया अब पीछे बग्गी आई ठीक है इस बंदे को भी मैंने लिट किया इसकी बग्गी पता नहीं क्या होगी थी मेरा नेट का इशू था या क्या था तो जैसे ही मैं इसको मारता हूँ ना वो जो जिस बंदे को ना हमने फिस्ट किया ना उसके ना उसने ना अपने पंटर लोगों को बुला लिया समझ आ रही है तो यहाँ पर सीन फुल गड़बड़ होने वाला था बैक वाले दोनों बंदे थे जल्दी जल्दी से दोनों को मैं फिनिश कर लेता हूँ ताकि इधर से मसला ना हो और अब यहाँ पर जब मैं नौकू जाता तो बस मुझे लग गया कि भाई इस कहानी का चैप्टर हो गया पूरा क्लोज यहाँ पर बचने वाला कोई नहीं है किस्मत देखो ठीक है बंदों ने फिस्ट कराया था ना मैंने रिवेंज भी लिया अब इनका ना रिवेंज का टाइम था रिवेंज ले रहे थे मैं फिर भी देखो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो ना एनिमीज के मुंह पे चार एनिमीज के मुंह पे फुल ओपन पे जा रहा हूँ इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है फिर मैंने कहा यार उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं ना फिर मैं इधर आ गया करीब अब यार यहाँ पर देखो मैं कैसे है? नो हो जाता हूँ नोक यहाँ पर मैं जब जैसी ना पहले बंदी से मैं नोक हो जाता हूँ ना ये ठीक है बीस नाम अच्छा है अच्छा ना दिया है लेकिन फिर भी हरकत इन्होंने ना यकी जो लगाई थी ना अभी रमज़ान है ना मैं फुल डिटेल के साथ इनकी तारीफ़ नहीं करूंगा बुरी बात होती है तो सबसे पहले मैं भाग रहता ठीक है एनिमीज़ मेरे पीछे आ रहे थे मैं एनिमीज़ से भाग रहा था या पर एनिमीज़ ने गलती की भाई लेट हो गया अपन को ना रिवाइव का मौका मिल गया अपन जब एक बार पैरों पर पे खड़ा हो जाता है ना तो फिर आसरा नोट वाला सीन करता है अब देखो भाई आपका भाई करता क्या है सिर्फ आप लोगों ने देखना है भाई ऐसे प्रीफायर दूंगा ना इस बीस्ट को कि ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा ये देख हो ना फुल रफू चक्कर मैं यहाँ से कराऊंगा सीन देखना है आप लोगों ने अभी लिफ्ट की आवाज सुन ली एक ऊपर से आ रहा है ठीक है बाकी जो तीन है वो नीचे है जो एक बंदा मेरे टीममेट ने नॉक किया बंदा गया ये दोबारा अब नहीं आएगा भाई ये ऊपर ही चला गया ये यहाँ से निकल के रफू चक्कर हो जाएगा नीचे वाले पे मैंने पूछ के इनका लास्ट बंदा था ना इसको भी मैं मार लेता हूं अब ऐसा है ना कि देखो ना आपको तीन स्टेप्स आ रहे हैं समझ आ रही है तीन ही चार आ रहे हैं स्टेप्स आ रहे हैं एक ऊपर वाला बंदा है एक नीचे बोट भाई लखती लानत बोट पे मेरा किल भी चोरी किया इन मौके पे भाई बोट इंट्री मारता है सारी सिचुएशन की माँ बने कर देता है लेकिन चलो क्या कर सकते हैं ना अब यहाँ पर ऐसा था ना कि जो लास्ट वाला बंदा था ना इसका मैंने वेट किया कि अभी मैं पूरा हेल्थ लगा के ना इसे पुश करूँगा लेकिन नहीं भाई ये वही पे सुनोगे यहाँ से निकला ही नहीं है और बकाया जो इसके बाद मैंने इम्पॉसिबल सर्वाइव वाला सीन किया वो तो मैंने कल की वीडियो में पोस्ट किया है ना तो यार ये सब्सक्राइब के साथ लाइक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन में प्रेस किया करो ताकि पिछली और नई वीडियो सबका सीन समझ जाए कि पहले क्या होता था आगे क्या होगा कौन से पड्डे कर रहे हैं कौन से मामलात चल रहे हैं तो फिर जाके आप लोगों को कुछ समझ आएगा तो आज की वीडियो यही तक थी बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करो यार और कमेंट में बताया करो यार वीडियो को कौन सा पार्ट पसंद है और क्या क्या सीन हो रहा है ताकि फिर हम उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे